Hello everyone, so today we are going to start the very first chapter of class 10th economics is the development chapter. Development bole to vikas, vikas bole to growth. So hum log yahan pe growth ki baat karne wale hain, not of a single person, not of a group of persons. Yahan pe hum log entire country ki growth ki baat karne wale hain, kyunki growth is a very wide concept. ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है सिर्फ फाइनेंशियल पे हमारी ग्रोथ हो रही है तो वी आर कंसिडरिंग कि भैया हम लोग डेवलप हो गए हैं, या अगर हम लोगों की मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, अगर लोगों की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है. सो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज वेरिड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज वेल एज इट हैज़ अ डिफरेंट क्राइटेरियाज टू फाइंड आउट टू मेजर द डेवलपमेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर डेवलपमेंट. About development. So development में हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है कि भैया देखो development जो है हर एक individual के लिए development का meaning अलग होता है. एक school going girl जो village से है और एक school going girl जो हमारे पास city से है. अब village वाली girl का क्या dream होगा कि यार मैं city में जाऊँ, मैं अच्छे college में admission लूँ, वो उसके लिए development होगी. City वाली एक girl के लिए development क्या होगी कि यार मुझे तो एक बहुत हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाना है. इट माइट भी उसे ऑक्सफोर्ड जाना हो यूनिवर्सिटी में, या किसी और यूनिवर्सिटी में जाना हो उसको, ठीक है. सो डेवलपमेंट दोनों के लिए क्या है यहाँ पे अलग अलग है. बट कई बार हमारे पास क्या होता है, जो एक के लिए डेवलपमेंट होती है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट तो है नहीं, बट उल्टा उसके लिए कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाती है, डिस्ट्रप्टिव हो जाती है. जैसे कि सपोज अब हमारे पास हाईवेज बनाए गए, ठीक है, हाईवेज बनाने का काम हुआ तो वहाँ के बहुत सारे लोगों से उनकी लैंड्स लेकर उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया. बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए, डैम्स कंस्ट्रक्ट करके उन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, विच इज़ अ डिस्ट्रप्टिव एज वेल एज कॉन्ट्राडिक्ट्री फॉर देम. सो एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट. हम लोग बात करते हैं कि अब हमें डेवलपमेंट देखनी है. सो डेवलपमेंट को देखने का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वी आर गोइंग टू ओवरलुक द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. दैट इज़ हमें अगर कंपैरिजन करना है कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी कंट्री खराब है, तो हमें हमारी नेशनल डेवलपमेंट यहाँ पर देखनी पड़ेगी. नेशनल डेवलपमेंट के लिए अब हमारे माइंड में आएगा कि भैया चलो इंडिया की कंट्री इंडिया, इसकी नेशनल इनकम देख लेते हैं, उधर से US की देख लेते हैं, उधर से किसी और की देख लेते हैं. बट इसमें प्रॉब्लम आती है हमारे पास. प्रॉब्लम कैसे आती है, सपोज एक साइड है मेरे पास मेरा इंडिया, दूसरी साइड है हमारे पास हमारा बेल्जियम. अब भैया बेल्जियम तो हमारे हरियाणा जितना है और इंडिया तो इतना बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन और इसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट अ राइट क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट, और टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन नेशन डेवलपमेंट. तो इसके लिए हमारे पास एक अलग सोल्यूशन लेकर आए हम लोग, दैट इज़ कि चलो भाई अब हम लोग हमारी पर कैपिटा इनकम से कैलकुलेट करेंगे हमारी नेशन की डेवलपमेंट, कि कौन कंपेयर करेंगे हमारी कंट्रीज़ को कि कौन सी कंट्रीज़ अच्छे से काम कर रही है और कौन सी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट नहीं हो रही. इस पर कैपिटा इनकम को हम लोग बोलते हैं हमारी एवरेज इनकम भी कैलकुलेट करते हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी हमारी टोटल इनकम हो रही है उसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे हमारी टोटल पॉपुलेशन से. जब हमने हमारी इनकम और पॉपुलेशन को आपस में डिवाइड कर लिया, ठीक है जी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एंटायर इनकम की, हमारी पर कैपिटा इनकम हमारे पास यहाँ पर क्या आई. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ भी आती है, दैट इज़ यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटीज़ हमारी हाइड हो जाती हैं. इनकम डिस्पैरिटीज़ बोले तो अगर एक इंडिविजुअल महीने का 12,000 रुपये कमा रहा है, दूसरा ऑन द अदर हैंड 5,000 भी कमा रहा होगा, तीसरा अदर हैंड शायद 50,000 60,000 भी कमा रहा होगा, पर हमारी पर कैपिटा इनकम तो आ गई थी 18,000 रुपये, सॉरी हमारी पर कैपिटा इनकम तो आ गई थी 12,000 रुपये. तो हमने क्या करा, 5,000 वाले को भी 12,000 में शो कर दिया, 70-80,000 वाले को भी 12,000 में शो कर दिया. दैट इज़ अमीर को भी गरीब दिखा दिया, गरीब को भी हमने एक नॉर्मल लेवल पर लेके आ गए. सो विच शोज की इनकम डिस्पैरिटीज़ को ये बहुत ज़्यादा हमारे पास हाइड कर देती है. अब नेशनल इनकम तो हमने देख लिया, पर कैपिटा इनकम एक आया हमारे पास, बट सिर्फ इनकम से ही हमें हमारी डेवलपमेंट का नहीं पता चलता है, हमारे पास अलग अलग केसेस भी आते हैं. जैसे कि आपकी बुक में गिवन है हमारे पास केस
हरियाणा, केरला एंड बिहार। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनकम तो हरियाणा की अच्छी है, बट हेल्थ फैसिलिटीज़ केरला का अच्छा है, एजुकेशन केरला का अच्छा है, नेट अटेंडेंस रेशियो केरला का अच्छा है। तो ओवरऑल हम लोग कहेंगे कि भाई केरला जो है वो हमारे पास एक अच्छी डेवलप स्टेट में काउंट होती है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग हमने रेशियोज़ देखे, हमने अलग अलग स्टैंडर्ड्स सेट करे जिसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि कंट्री डेवलप है या नहीं है। जैसे कि एक तो हम देखेंगे हमारे पास हमारा पर कैपिटा इनकम चेकआउट करेंगे, जो हमें पता है हम कैसे निकालेंगे। एक हम देखते हैं हमारा IMR, IMR stands for your infant mortality rate। ये कहते हैं कि भैया अगर एक साल में 1000 बच्चा पैदा हुआ एक एरिया में, उसमें से डेथ रेट क्या है इन्फेंट्स का, जो अभी तक एक साल के नहीं हुए उसमें से डेथ रेट्स क्या है। अगर ये हमारा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कम होगा तो इसका मतलब हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है, गुड, अच्छा चल रहा है हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर। अगर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा हो गया तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बहुत ही बेकार है हमारे पास। फिर एक रेशो आता है हमारे पास हमारा लिटरेसी रेट। ये लिटरेसी रेट कहता है कि भैया कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, जो चीज़ समझ के अपना साइन कर सकते हैं कहीं पे। सो लिटरेसी रेट भी अगर अच्छा है तो इट मींस कि हमारी कंट्री डेवलप्ड है। अगर लिटरेसी रेट बेकार है तो दैट मींस अभी भी हम लोग क्या हैं यहाँ पे, अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में आते हैं। अब जो क्राइटेरियाज हमारे पास यहाँ पे हमने देखे, विच इज़ कंसिडर एज इनकम एंड अदर गोल्स टू फाइंड आउट द डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री ऑफ अ स्टेट, किसी भी चीज़ का हम देख सकते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या है हमारे पास एक आया हमारा UNDP, UNDP बोले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आता है हमारे पास हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो क्राइटेरियाज हमने इनकम एंड अदर गोल्स में देखे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक HDI दिया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कुछ क्राइटेरियाज बताया कि भैया आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज़ आपका इनकम गोल, आपका एजुकेशन लेवल, आपका लिटरेसी रेट दैट इज़, और आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पर। तो उन्होंने इन तीन चीज़ों को बारे में कैटेगराइज करा कि आपका एजुकेशन, हेल्थ और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रीज़ का HDI बनाएंगे, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की कौन सी कंट्री कितना अच्छा खासा ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ये तो था हमारे UNDP प्रोग्राम ने लॉन्च करा HDI, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास हमारे वर्ल्ड बैंक ने प्रॉपर रिपोर्ट सेटअप करी। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाए पर कैपिटा इनकम के। अगर कोई इतनी इनकम कर रहा है तो वो डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, विच चेंजेस टाइम टू टाइम, ठीक है। करंट आपको अपने NCERT में से देना है, देखना है दैट इज़ वर्ल्ड बैंक ने क्या स्टैंडर्ड्स बताए हमारे पास कि हम लोग चेक कर सके कंट्री डेवलप है, अंडर डेवलप है या हमारे पास डेवलपिंग स्टेज पे है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड अब इनकम, हेल्थ, इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी डेवलपमेंट पे फोकस करती है, दैट इज़ माय पब्लिक फैसिलिटीज़। अभी रीसेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने कोरोना वायरस में देखा, ठीक है। अभी हम लोग दिल्ली NCR एरिया में भी हम लोग देखते हैं जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या वहाँ पे कोई अमीर बंदे को प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, सबको आती है प्रॉब्लम। अब कोरोना वायरस आया तो लोगों को पास भले ही कोई कितना अमीर बंदा हो, अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उस वायरस का क्योर ही नहीं था हमारे मेडिकल साइंस के पास, तो उसके पैसे कहाँ गए, कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा उन पैसों में। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे अच्छा वाटर, क्लीन वाटर हमारे पास होना, सैनिटेशन फैसिलिटीज़। गुरुग्राम, सॉरी टू से बट गुरुग्राम इज़ अ वेरी गुड एरिया, बट रेनी सीजन में वहाँ पे क्या होता है, पानी भर आता है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द फैसिलिटीज़ विच शुड बी फोकस, और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फाइनलाइज कर पाते हैं कि कंट्री डेवलप है, अंडर डेवलप है या कैसी सिचुएशन में है हमारे पास यहाँ पर, क्लियर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास एक और पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स जो है हमें ये बताता है कौन सा ह्यूमन बींग नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवरवेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग हमारी हाइट
और वेट को कंपेयर करते हैं और हम लोग बता पाते हैं दैट पर्सन इज वेट ओवरवेट और इज़ अ फिट एंड फाइन पर्सन. सो बॉडी मास के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास 1 मार्क्स में आते हैं यूजली. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो हमने डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर देखते हुए चलना था हमारे पास. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ आर दिस चैप्टर. दैट इज़ इसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट करो जी, सबके डेवलपमेंट करो, बट हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करो. एनवायरनमेंट को साथ में ध्यान रखो, हमारी फ्यूचर जनरेशन हमारे डेवलपमेंट को एंजॉय कर सके, उस पर भी हमें फोकस यहाँ पर करते हुए चलना है. जैसे फॉर अ लाइव एग्जाम्पल, अभी हमने बहुत सारी डेवलपमेंट करी है पिछले कुछ सालों में. हमने हमारे डैम्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, हमने फॉरेस्ट को अच्छा खासा कट कर दिया यहाँ पर. बट ऑन द अदर हैंड हम लोग ये भूल गए कि भैया अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो साइड बाय साइड ट्रीज को तो लगाओ, अपने आप तो वो नहीं लगेंगे यहाँ पर. सो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, आज हमें यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है. हमारे यहाँ पे हम लोग जो है ग्रीनरी एंजॉय नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में. सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट आपको यही समझाता है टू इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ ग्रोथ, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ डेवलपमेंट, सो साइमल्टेनियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट एज वेल, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उन सब चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर पाए. डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी हमने यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है. सो दिस इज़ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर डेवलपमेंट. सो होपफुली द चैप्टर इज क्लियर टू यू गाइज. इफ एनी डाउट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम फॉर श्योर. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे.